दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में इन दिनों सड़कों की हालत बेहतर से बेहतरीन हो चुकी है और विकास की इस कड़ी में एक नाम देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जुड़ने वाला है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का राजस्थान वाला हिस्सा बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, अभी तक इसका कितना काम कंप्लीट हो चुका है और इसका पहला फेज किस दिन स्टार्ट होगा और अभी कहां कितना काम बाकी है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने की सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से देश में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट की अपडेट देते रहते हैं। अगर आप देश में चल रहे इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दूं, नितिन गडकरी द्वारा 2019 में इसकी आधारशिला रखने के बाद से ही देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हमेशा चर्चा में रहा है और सभी की नजर इस पर बनी रहती है कि ये 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे आखिर कब स्टार्ट होगा और कब से लोग इस पर सफर कर पाएंगे। तो आपको बता दूं, 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को आपस में जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का राजस्थान वाला हिस्सा जून महीने में स्टार्ट होने वाला है, जिससे आप दिल्ली से जयपुर तक की दूरी सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरी कर पाएंगे। फिलहाल इस हाईवे को सोहना से पहले दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ दिया गया है, जिसकी खास बात ये होगी कि इस हाईवे के जरिए राजीव चौक गुड़गांव से सोहना तक 15 मिनट में 22 किलोमीटर दूरी पूरी कर ली जाएगी। और जब राजीव चौक से सोहना तक पूरा हाईवे जून के लास्ट तक खोल दिया जाएगा, तब गुड़गांव से राजीव चौक होते हुए जयपुर तक की दूरी और कम हो जाएगी। फिलहाल अभी एलिवेटेड कॉरिडोर के सभी विंग्स लग चुके हैं और लाइटें लगाने का काम चल रहा है। इसके अलावा कहीं कहीं एलिवेटेड रोड पर विटामिन से सड़कें बनाने का काम भी बाकी है, जिसे जून के तीसरे हफ्ते तक पूरा कर लिया जाएगा और जून के आखिर तक ये कॉरिडोर पूरी तरह से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर को भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के हिसाब से तैयार किया गया, जिसके निर्माण पर करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत आई है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इस 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लागत करीब 1,00,000 करोड़ है और ये पूरी तरह से ग्रीन एक्सप्रेसवे होगा, जिसके दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही जानवरों के लिए एनिमल ओवर पास और साउंड ब्लोकर लगाए जाएंगे और ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर हेलीकॉप्टर इमरजेंसी की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, इसका पहला फेज जून महीने में खुलने को तैयार है और बाकी सभी फेज का काम बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, जिसे 2023 तक पूरा करने का प्लान है। वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई है तो अपने खास दोस्तों में जरूर शेयर करें और ऐसी नई अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।